और रिस्क लिए मैंने कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेके होमेल का विकास चाहता हूँ। इतनी मेहनत की क्योंकि मैं नई थी क्षेत्र में, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा। मुझे एक एक घर तक ले जाने का जो काम किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो मैं पूरा मेरी जीत का श्रेय उनको भी देना चाहूंगी। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी है और परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। और जैसा कि हमने देखा कि गहलोत सरकार पर पूरी तरह से जनता को विश्वास, जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजना जनता तक पहुंची है, डिलीवरी हुई है, दूसरी ओर डिलीवरी नहीं हुई है, बहुत सारी बड़ी बातें हुई हैं, तो बिल्कुल इन सबका मुझे लगता है कलेक्टिव ये जो कमाल था, मैजिक था। और मोदी जी का जो मैजिक था, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा तो वही काम आया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में हम लोग बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये उसी का मुझे लगता है कि रिजल्ट है कि जिस तरह से हम लोग सब, पूरी जनता, पूरी देश की मोदी जी पर विश्वास करती है और मेहनत की। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत जो हमारा कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर तक एक कार्यकर्ता के रूप में हम सबने एक साथ कलेक्टिवली काम किया है, इसका ही नतीजा है। मोदीजा जी, अब क्योंकि जीत आपकी हो गई और प्रदेश में भाजपा की सरकार ने बड़ी जीत साफ तौर पर दिखी है स्पष्ट बहुमत के साथ, बड़ी बात है कि आप क्योंकि जगह जगह जहां जहां आपको मौका मिला वहां वहां आपने झंडे गाड़े, जीत का परचम ले रहा है। इस बार जयपुर से आपके जीत का परचम है, बड़ी जीत है। क्या मान के चले अब अगला ताज, क्योंकि अब जब सरकार बनेगी तो क्या बड़ा ताज क्या रहेगा आपके? जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगी। और मैं तो ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की पार्ट, हम लोग अब सरकार में आएंगे और पूरी तरह से एक अच्छी जो गवर्नेंस। तो बाल मुकुंदाचार्य जीत गए हैं हवा महल सीट से। नरेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी विधानसभा की, हमारे भाजपा परिवार को और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को, शीर्ष नेतृत्व को, कि उनका जो विजन है उसको लोगों ने माना है। लोगों ने कई गारंटियां झूठी दी है, लेकिन वो झूठी गारंटी बैलेट 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 पेपर कर देता है, 106 आंकड़ा है। बैलेट का रिजल्ट भी आ गया सर, उसमें भी आप जीत गए। बैलेट बैलेट का रिजल्ट भी आ गया। जीत जीत होती है, वो अंतर कितना भी हो। आपको जनता ने घोषणा करी है, चुनाव काउंटिंग अभी भी चल रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमें जनता का और खूब आशीर्वाद मिलेगा। लास्ट मैंने 35,000 की लीड देखी थी, अभी शायद 4-5 राउंड और बाकी हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास है। जिस जबरदस्त रूप से जो भी परिस्थितियां रही झोटवाड़ा में, उसके बावजूद जनता ने जमकर आशीर्वाद दिया। कांग्रेस की पार्टी के हार के क्या कारण मानते हैं साहब? क्योंकि वो कह रहे थे कि खूब सारी गारंटी दी है, ओपीएस दिया है, फिर भी क्यों चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी? देखिए, रेपुटेशन बनाने में समय लगता है और कांग्रेस सरकार ने तो पिछले 5 साल में रेपुटेशन को गंवाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी रेपुटेशन बनाई है, आज घर घर मोदी जी का नाम लेते ही एक विश्वास जगता है, उसमें मेहनत लगती है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं अब तिजारत से, बीजेपी के बाबा बालकनाथ की जीत हो गई है, एक और बड़ी जीत, एक और बीजेपी के नाम सीट गई है, वो है बीजेपी के बाबा बालकनाथ। अभी आपको बता रहे थे कि हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य और अब बाबा बालकनाथ की जीत तिजारा से बीजेपी के प्रत्याशी। और तिजारा से बीजेपी के बाबा बालकनाथ की जीत के साथ ही नरेश जी, एक और सांसद की जीत। ये जो 7 सांसद, 7 चेहरों का जिक्र हो रहा था एक एक करके जीत दर्ज करते हुए, इससे पहले भी राज्यवर्धन सिंह राठौर जो बात कह रहे थे फर्स्ट इंडिया से भी जीत के बाद। हालांकि मंडावा में जो सांसद है वो शायद हार गए हैं वो वहाँ पे, लेकिन बाकी जगह जो है वो जीत की खबर आ रही है। अभी हमें जो एक सांसद का और देखना पड़ेगा, सवाई माधोपुर का भी इंतजार है। बिल्कुल, लेकिन जो बाबा बालकनाथ और बढ़िया करने के लिए, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिली। मेरा पूरा संकल्प रहेगा कि यहाँ पर हमारे झोटवाड़ा की जो कॉलोनीज है उसमें पूरी तरह से अपना समर्पण देकर वहाँ काम करवाने का। और राजस्थान की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया, प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने के तरीके पे विश्वास जताया। सर, जिस तरह की जीत एमपी और छत्तीसगढ़ में भी हुई है, आप मानते हैं कि मोदी लहर चली है इन चुनावों में? जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्वास हर गाँव, हर ढानी, हर बच्चे के मन में है, कहाँ से कांग्रेस किस तरह से मुकाबला करते हैं, ना इनमें विजन है, ना कोई नीति है, आपस में
जो मिला था उससे भी संतुष्ट नहीं थे, और चाहिए था, हर एक को और चाहिए था। अलग अलग इन्होंने अपने रजवाड़े बना रखे थे, इन्होंने अपने हर एमएलए अपनी विधानसभा को अपना, इसने अपना ही गढ़ बना लिया था और लूट मची हुई थी वहां। इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य देखते हैं सर आप 2024 के परिप्रेक्ष्य में? इंडिया गठबंधन जो बना था उसका क्या भविष्य देखते हैं सर आप? देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि एक संकल्प चाहिए होता है लोगों की सेवा करने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स में दिखाई दे रहा है। उसी वजह से जनता के मन में विश्वास है। इन्होंने जो अपने गढ़ बनाए थे वो गढ़ जनता की सेवा के लिए नहीं बनाए, इन्होंने खुद के स्वार्थ के लिए बनाए, और शर्त यह रखी कि आप कुर्सी को संभाले रखिए, बाकी आप लूट मचाइए। और इसी कारण से ये कांग्रेस का पूरा हर जगह, जहां जहां कांग्रेस है वहां उनका सुपड़ा साफ। आप एक नई पारी शुरू कर रहे हैं सर, 10 साल आप सांसद रहे, बतौर विधायक आप काम करेंगे सर, कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप विधायक बन गए अब सर? इसको भी मैं एक सौभाग्य मानता हूं कि अब हम डायरेक्ट कनेक्शन में रहेंगे लोगों से। देखिए, सांसद के रूप में आप नीति बनाते हैं, आप फंड भेजते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो विधायक बहुत कट टक्कर रही है आपको। मेरे सामने